हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, जो एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। तो चलिए हम ढोकला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। 100 ग्राम बेसन को हम एक छन्नी की सहायता से अच्छी तरह से छान लेंगे। बेसन को हमें छानना जरूरी है ताकि इसमें लम्स ना रहे। हम सारे लम्स को निकाल देंगे। बेसन को मिलाकर एक बड़ी चम्मच इसमें तेल डालेंगे, नींबू का रस एक बड़ी चम्मच, एक चुटकी हल्दी और हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। आधा ग्लास पानी लेंगे और इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। इसका घोल न गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो। घोल को हम लगातार 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे और लगातार एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे। घोल रेडी हो चुका है। इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे हम एक बर्तन में एक ग्लास पानी डालकर उसे बॉईल करेंगे। बीच में एक स्टैंड रखेंगे जिसमें हम ढोकला कुक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम घोल को देख लेते हैं। इसे अच्छे से मिलाकर अब हम इसमें लास्ट में इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद एक चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें बबल्स निकले। इसके बाद हम इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद हम कुकिंग का प्रोसेस एकदम फास्ट कर देंगे, नहीं तो हमारा ढोकला अच्छा स्पंजी और जालीदार नहीं बन पाएगा। घोल तैयार है। चलिए हम कुकिंग के प्रोसेस में चलते हैं। एक थाली में हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में ढोकला बना सकते हैं। मैंने एक थाली का इस्तेमाल किया है। अब इस थाली में मैं इस बैटर को अच्छे से डालकर फैला दूंगी। थाली को हम हल्के से एक दो बार टैप कर देंगे और एकदम सावधानी से हम कढ़ाई में घोल के बर्तन को डालकर हम 20 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। तब तक हम तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च पतली कटी हुई डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे। एक कप पानी डालेंगे और 2 बड़ी चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। हमारा तड़का रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाएंगे और ढोकला को चेक कर लेंगे। एक चाकू की सहायता से इसे चेक करेंगे हमारा ढोकला पका है या नहीं। ढोकला पक चुका है। हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ढोकला को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम बाहर निकालेंगे। देखिए हमारा ढोकला तैयार है। अब हम इसे चाकू की सहायता से किनारे से इसे कट करेंगे ताकि ढोकला हमारा बर्तन छोड़ दे। एक प्लेट रखकर हम इसे पलट देंगे और हल्का सा टैप करके हम धीरे से उठाएंगे। देखिए हमारा ढोकला रेडी है। अब हम इसे बड़ी बड़ी साइज में कट करेंगे।
ढोकला के ऊपर अब हम तड़का डाल देंगे। देखिए कितना लाजवाब बना है हमारा ढोकला, एकदम टेस्टी। तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें।